हैप्पी बर्थडे है, तो इस वजह से मेरा आज मेरा भी स्पेशल दिन है, क्योंकि इसी दिन मुझे मातृत्व मिला और टुआ को जन्म मिला, जो मैं धन्य हो गई ऐसी बेटी पाकर। नहीं, मैं तो अच्छी ही बोल रही हूँ। तो सुबह सुबह सोच रहे हैं लिपस्टिक, लाए लिपस्टिक नहीं है, ये है लिप बम है। और सुबह 7 बजे मैं गई थी मछली का गोदी, जो ट्रैफिक डेली मार्केट में, सॉरी डेली मार्केट, वहाँ से मछली लिया, उसका केक ऑर्डर दे के आई थी कल, केक को पिक किया, उसके बाद चिकन सब में लेके जस्ट अभी घर में आई, टुआ नहा के पूजा कर ली, घर में ही पूजा कर ली हूँ, उसके बाद उसका भी नाश्ता में दे दिया हूँ। नाश्ता में आज उसका है स्पेशल, उसी का पसंद का सारा चीज बनेगा, और उसी का पसंद का चीज से ब्रेकफास्ट शुरू हुआ है, एकदम लंच डिनर तक का सब आज उसका पसंद, उसका दिन है, बर्थडे गाल है वो, आज उसका दिन है, सारा दिन उसका पसंद से चलेगा आज खाना पीना। तो क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज उसका नाश्ता ब्रेकफास्ट कोचूरी डीजल कॉलोनी स्पेशल कोचूरी, और चना डाल का एक सब्जी, और एक जिलेपी। बस इतना ही से वो अभी शुरू कर रही है। उठा के थोड़ा देखो, तो खाली पानी दिख रहा है तुम्हारा सब्जी में, थोड़ा पता चले सब। आलू और चना डाल को वो लोग बहुत अच्छा एक सब्जी मतलब बनाते हैं, इसका जो एसेंस है एरोमा बहुत बहुत मतलब सुंदर है। वीडियो उसको बहुत भूख लग गया है, जबकि कचौरी बहुत दिन का बाद, बहुत दिन साल भर हो गया, साल भर के बाद आज ये कचौरी खा रही है। मैं वहाँ से आ रही थी तो एक मिनट के लिए मैं ऑटो को बोली रोकिए, यहाँ मुझे देना है, तो वहाँ से लेके तुरंत मैं ऑटो चली। फिर तो शुरू करो पप्पू का नाम लेके आज। एक तो वाह, और एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मैं 5 मिनट छोड़ छोड़ के बोलूंगी है, ताकि पूरा दिन तुम्हारा एकदम यादगार रह जाए साल भर के लिए ना, हर 5 मिनट छोड़ छोड़ के एक बार मैं बोलती रहूंगी, ठीक है। तो आपने शेयर ही नहीं किया हमारे फ्रेंड्स के साथ। क्या चीज? 3 साल के बाद मेरे हैप्पी बर्थडे में मैं मेरे घर पे मतलब मम्मी के साथ हूँ। 2020 में मैं हॉस्टल में थी, 2021 में भी मैं हॉस्टल में थी, 2022 में मैं वर्धमान में थी, 2023 में इस बार 3 साल के बाद मेरा बर्थडे में मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। मेरा 3 साल के बाद वो मुझे याद दिला दिया, इतना थोड़ी याद रहता है। हाँ, इतना टेंशन, इतना काम काज के बिजी शेड्यूल है सबका लाइफ में अभी। 3 साल की 4 साल वो सब मतलब एक बार बोली थी मुझे परसों, मम्मी तुमको लग नहीं रहा कि बहुत दिनों के बाद? मुझे लगा नहीं, बोला हाँ 3 साल तो मैं तुम्हारे पास नहीं थी। फिर देखा पीछे गई, मेमोरी को पीछे लेके गई, फिर देखा हाँ वो 3 साल मेरे पास तो नहीं थी। तो ये 3 साल के बाद ये साल मेरा पास बर्थडे उसका मनेगा, मनना शुरू हुआ है, वीडियो शुरू भी हो गया और बर्थडे मनाना शुरू भी हो गया है। आगे आगे सब देखिए क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ, क्या बनाती हूँ लंच में, सब तो टुआ का पसंद का मैंने बोल दिया हूँ। ऐसे आज बोल के नहीं, मैं 365 दिन ही टुआ का पसंद का बनाती हूँ, मेरे पसंद का कुछ भी नहीं बनता। अगर मैं अपना पसंद का बनाने जाऊंगी ना, वो भूखी रहेगी, खाएगी नहीं, जो मुझे पसंद है उसको पसंद नहीं है, तो उसका पसंद का ही मैं खाती हूँ 365 दिन। तो आज और थोड़ा उसका पसंद का ही और थोड़ा स्पेशल चीज बनेगा, बर्थडे बोल के बात है, समझ ही रहे हैं, और टुआ एक ही है बेटी मेरी, तो आज का दिन उसका, आज का दिन उसके ऊपर नेछावर पूरा। तो चलिए दोस्तों काम कर शुरू करती हूँ, बहुत लेट भी हो चुका है, 10 जाने आने में है बहुत, वहाँ फिर चीज सारा चीज को पिक करना, मछली मार्केट जिलेबी এটা অতিথি বিহারের জিলেপি। হ্যাঁ, এ অতিথি বিহারের জিলেপি, অতিথি বিহার সে মিঠা পিক কিয়া, ফির ডেলি মার্কেট সে মছলি লিয়া, ফির ম্যাক্স মে আকে কেক কো পিক কিয়া, ফির ভা মেনে চায় পিয়া, কুল্লার বলে চায় পিয়া মে, ফির মে অটো চারকে ফির আই। তো চালিয়ে আভি চলতি হুঁ, আর বনে রহি আপ সব। লাস্ট ভিডিও গিয়া থা শাদি কা, ফির হ্যাপি বার্থডে কা, বিচ মে টোটাল গ্যাপ, पूरा गैप मार दिया हूँ एकदम। टुआ का एक इंटरव्यू था, एग्जाम था, सॉरी एक एग्जाम था, उसके वजह से उसको मतलब पढ़ाई करना था, और जितना नोट्स वगैरह वो मोबाइल से ही देख के पढ़ रही थी, और मतलब स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं था, तो
ये वहाँ से पढ़ रही थी, इसलिए मोबाइल वीडियो जो है शूट नहीं हुआ, और किया भी नहीं, वो जरूरी है, पहले एग्जाम वगैरह जरूरी है बच्चों का। तो फिर आज ये वाला ब्लॉग शुरू, आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। बज रहे हैं एक, खाना अभी तक बना नहीं है, चल रहा है तब तक मंचिंग के लिए स्वीटेंड कर्ड दही। मम्मी को बोला, मम्मी देखे गई, थोड़ा दही खाती हूँ, मुँह भी मीठा मीठा रहेगा। इट विल वर्क एज एपिटाइजर, दो इट्स नॉट एन एपिटाइजर, बट फिर भी मेरे लिए ही एपिटाइजर का ही काम करेगा। मीठा मीठा खाने से ना मुझे ज़्यादा ज़्यादा भूख लगती है, तो लंच अच्छे से मैं कर पाऊँगी और दिखाती हूँ आपको मम्मी क्या कर रही है। रुकिए, और रान्ना कर दूर, रान्ना होते आस्ते आस्ते, कोई देखी ना, ওই দিকে হয়ে গেছে ভাতটা ভাজা। আচ্ছা দেখাও কি কি রান্না হয়েছে, আপ তক কি কি ফ্রেন্ডস বানা হে। চাওয়াল হো গিয়া হে, প্লেন রাইস, প্লেন রাইস, ফির পাঁচ কিসম কে ভুজিয়া, এ হে বেগুন ভাজি, কুমড়া ভাজি, আলু ভাজি গোল গোল করকে, বিনস ভাজি ও ভেন্ডি ভাজি, পাঁচ কিসম কে ভাজি হো গিয়া হে, হো গিয়া হে। আর মাছলি, মাছলি ভাজি ভি হো রাহা হে, মাছলি ভুজিয়া, এ ভি হো গিয়া হে। बाकी आपको मैं, आप सबको मैं दिखाती हूँ और क्या क्या बनेगा। एक सेकेंड, इसको पलटी नहीं करने से एक दूसरे के साथ लटक जा रहा है, चिपक जा रहा है, लटक जाएगा, वही लटकना चिपकना एक ही हो गया। कड़ा कड़े भाज रहे हैं, कड़ा कड़े, हाँ वही वही टाइम, वही टाइम, हाँ। अच्छा ये अभी हो जाएगा, और क्या क्या है, ये है चिकन बनेगा मैरिनेटेड किया हुआ एक है, इसमें नींबू और ओनली नींबू देखे, इसको मैरिनेट करके रख दिया हो, खाली नींबू बस, ये जो पत्ती नींबू, इसका मसाला, इसमें अदरक लहसुन जीरा धनिया और काचा मिर्चा, गरम मसाला, गरम मसाला में होल गरम मसाला जो दालचीनी इलायची ये सारा पीस के मैं रेडी कर लिया हूँ, और प्याज ऐसे बारीक मैंने काट लिया है, चिकन का साथ आलू टमाटर, ये पूरा चिकन का प्रिपरेशन है। ओके ओके, ये है पोस्तो बड़ा, ये बनेगा पोस्तो बड़ा, एक चांद जैसा पोस्तो बड़ा और फिर हो गया चिकन, हो गया भाजी, पोस्तो बड़ा, और ये है कॉम्प्लीट टमाटो करी बनेगा, दो पीस उसके लिए सारा चुहा का पसंद का मैं बना रही हूँ, है ना, एकदम। अच्छा अभी दही तुम खाई नहीं, खाने जा रही हूँ, भूख लग गया है मुझे। अभी एक घंटा में कुकिंग मेरा ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही हो जाएगा। मेरा रॉ इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दिया हूँ, उसके बाद पक्का दिखाऊंगी, अभी कच्चा दिखा, इसका पक्का दिखाऊंगी कि क्या क्या लंच मेनू में है, जो आपको जो परोस के मैं दूंगी, आप सब भी देखिएगा। थोड़ा दही इसको खिला देती हूँ, इतना बदमाश, देखिए आज पूरा मेरे से सारा मतलब लेगी अपना काम, मतलब उसको खिला भी दो, वो प्याज लेके आई, मैंने उसको पकड़ा दिया, खाओ मेरे पास लेके आई, मेरे को आज खिला दो, मतलब खाली उम्र हो रहा है, उम्र बढ़ रहा है, बाकी नहीं, कोई उम्र बढ़ रहा है, एक दिन बच्चा हो नहीं है कौन, हाँ देखिए तुम्हें खिला, 12:10 को हुई थी रात को, 12:10 हुई थी, अभी देखिए बोल रही है मेरे को दही खिला, दूध खाने के बजाय बोलता है दही खिला दो, आज ही तुमको दूध खाना है पीना है, थोड़ा मैं भी खिला दूं मम्मी को, मैं मुख पे एक मिस्टी कोड़ी दी, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए, यहां है खबर ना, तो ना 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 ওটা নিতে পারবো না, অতটা গেলে তো পুরো ভাত খেতে পারবো না, এবার দাও इतना छोटा चम्मच है, दुकान में जो रहता है, और मैंने जो मुंह खोला है इतना बड़ा देखिएगा वीडियो में, मैंने हां करके लिया, जब भी करके लेना था, कैसे लेना था। और यहाँ पे ये भी
पॉम्फ्लेट टोमेटो करी मेरा फेवरेट रेडी, और यहाँ पे चिकन की जानो बोले चिकन कोसा फ्राई हो रहा है अभी चिकन मसालों के साथ, भून रहा है ये। कलर टा तो एकोन देखे खूब टेम्पटिंग लग रहा है देखते बोलो। হ্যাঁ নিশ্চয়ই খাবো, সেটাই আমি ভাবছি। আমার তো খেতে হবে, সব বলেছে এই মেনু হবে। জানেনও মর্দম ভোজন হয়ে যাচ্ছে আমার, হ্যাঁ কি নেই ফ্রেন্ডস? আপকো তো ঘ্রাণ নেই আ রা হোগা, মুঝে তো আ রা হ্যায় না, মেকো তো স্মেল সে হি ভুখ লগ জা রা আর পেট ভি ভর জা রা হ্যায়। उसके पसंद का मैंने लंच तैयार किया हूँ, और क्या क्या बना के मैं उसका सर्व कर रही हूँ आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए। प्लेन राइस, बैगन भाजा, कुमड़ो भाजा, आलू भाजा, बीन्स भाजा, ए भिंडी भाजा, पोस्तो बड़ा, रुई फिश भाजा, इधर से मसूर की दाल, उसको मसूर दाल पसंद है, मसूर दाल, बंधाकोपी सब्जी, ये है पॉम्पलेट टोमेटो करी, चिकन कोसा, और डेजर्ट में है मीठा एक जिलेबी और पटल चेरा, पटल चेरा, इसको पटल चेरा बोलते हैं और पटल चेरा ही बोलते हैं, मीठा दही, ये है राबड़ी, उसका चॉकलेट, उसका चिप्स, लास्ट में पान, और लास्ट में और पानी। आज के अच्छा नींबू मुझे भी भूख लग गया। मम्मी ने इतना अच्छे से ये प्रेजेंटेशन प्लेटिंग इतना अच्छे से प्लेटर सजाया ना, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको तोड़ देखो, मन कर तो बैठ के देखती रहूं मैं। इसको हटा देती हूँ, एक प्लेट में खिला देती हूँ, इसको रहने दो। अब नेक्स्ट टाइम मुझे आज के दिन इतना अच्छा सजा के कल से फिर ऐसे ना ना मम्मी मुझे हमेशा खाई दी खाई दी। हाँ आगे कौन टा दिखाओ वो आगे हमें एक टू सॉफ्ट दिए एक सॉफ्ट दिए एक टू एक टू पूरा खाई दो आगे इतना दिए भिंडी भाजा दी भिंडी भाजा एक टा ये भाजा एक टा ये भाजा एक टू पोस्त बड़ा एक टू मेज एक टू माज भाजा और बेगुन भाजा বসে আছি উসকা খানে কে বাদ মানে খাউঙ্গি ও কে কে আজ যো উসকা যো ভি কুছ ভি ছোড়না হোগা ও হাম নেই মানে নেই খা পাউঙ্গি बाकी दूसरे सब खा पाते उसका मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह सब, लेकिन मैं माँ हूँ तो मैं उसका आज झूठा नहीं खाऊंगी। तो वो क्या क्या उसमें से मतलब स्किप करेगी वो सब से मुझे उठा के रखना है, उसके बाद मतलब पहले ही उठा लेना है, उसके बाद मैं खाऊंगी।
সব খাবি কিন্তু সব আজকে খেতে হয় বাবা আমি এতগুলো খেতে পারবো না ভাজাগুলো সব ভুজিয়ে না মানে তো ইতনা সারা প্রিপারেশন করা থা তো জিতনে পাঁচ কিসম কে ভাজা মতলব ভুজিয়া দেনা পড়তা হ্যাঁ তো সব ঠান্ডা হো গিয়া লেকিন ভুজিয়া যো চিজ হ্যায় ও গরম গরম হি আচ্ছা লাগতা হ্যায় দিখাতি মানে কে খাওয়া কে ছোড়া কে বচায়া আর মেয়ে মম্মি ভি খতম হো গিয়া मैं ज्यादा खा नहीं पाई क्योंकि इतना सारा दौरा भागी करके मैंने किया तो और उसी में से पेट भर गया है और थोड़ा लिया था बस खत्म हो गया लेकिन उसको जितना मैं सजा के दी वो सब पहले उठा के दे दिया दादा देखा ये गिटार पर मेरा मुंडी कट रहा है देखो आपका मुंडी आज कैसे कट सकता है आपको आज ही मैटरनिटी प्राप्त हुआ है फिर काट रहा है देखो तुम ये छोटे मुंडी से बड़ो हो जाते খানা জব মম্মি সজা কে দি না তব মুঝে লাগা কি হ্যাঁ আজ মেরা বার্থডে 19 ফেব্রুয়ারি মে দিখাতি হুম মানে ইয়ে ভাজা জো হ্যায় অলমোস্ট খতম কিয়া বস কুমড়া থোড়া সা খায়া ছোড় দিয়া মে উঠা দিয়া মাছলি ভুজিয়া ভি মেনে উঠা দিয়া মেনে খা লিয়া তো বড়া পুরা নেই খা পাই এক বেগুন ভাজা উঠা দিয়া পমফ্রেট দোনো সাইড কা উসকা জো মতলব ফ্লেশ থা ও তো মেনে খা লিয়া লেকিন অর কাঁটা পেট ভর গিয়া উসকা মুন্ডি খা লিয়া মেনে মুন্ডি খানে মেনে তো মতলব চিকেন চিকেন দো পিস লেগ পিস ছোড় দিয়ে মিঠাই ইয়ে दाबड़ी मैं मैंने खोला ही नहीं और नहीं जाएगा नहीं हो पाएगा मिठाई एक खा लिया है दही दही ये दही भी पूरा दही देखिए और देखा ये खाऊंगी ये शाम के लिए ये नहीं ये खाऊंगी टेक टू देखी हमारा प्लेट फाका में अल्प नहीं थी हमारा थापड़ फाका ओ मम्मी तो हपाची छोड़िए फ्रेंड्स में बाद में बता बात करती हूँ आपसे दाड़ा एक्चुअली दोस्तों इतना सारा आइटम देके खाने का हैबिट नहीं है यही प्रैक्टिकल बात है एकदम ओरिजिनल बात और इतना मतलब एक दिन इतना अगर बन जाता है तो मैं बनाने का चक्कर में मैं खा नहीं पाई वो मतलब आदत खाने के चक्कर में खा नहीं पाई वो उसका आदत नहीं है इसलिए खा नहीं पाई मैक्सिमम दो या तीन आइटम ही बनता है लंच के लिए तो एक्सेस हो गया क्या छोड़ के क्या खाऊं लेकिन आज उसका स्पेशल डे है तो अब फिर मम्मी मेरे को बोल रही थी ये जो चिंगड़ी कोड़वे कि मैंने कल कटहल भी मतलब देखा था बाजार में तो उसको मैंने फोन किया कि बोला नहीं नहीं उतना मत करो और बेकार खाली सजावटी हो जाएगा खा नहीं पाएंगे तुम्हारा मेहनत ज्यादा हो जाएगा तुम उतना मत मतलब टेंशन लो और मत उतना अरेंजमेंट करो वो मुझे बोला था जो है सिंपल चिकन भात कर दो लेकिन मेरा मन नहीं माना कि उसको मैं दे मतलब जब भी उसको बर्थडे में सेलिब्रेट किया हूँ तो ऐसे ही सजा के परोस के मैं उसको मेरा पास जितना दिन वो जितना बार मेरा पास वो सेलिब्रेट हुआ है उसका हैप्पी बर्थडे मैं ऐसे ही सजा के उसको दिया हूँ तो मन नहीं मानता है माँ का मन है आप लोग समझ सकते हैं तो मैंने वो खाए ना खाए मैंने सजा के उसको दिया उसको देख के उसका मन भर गया और मन जो भर गया उसका वो वाला जो मुझे वो बोल रही है बस वही उसका चेहरे का खुशी में मेरा सारा मतलब तसल्ली है हो गया कि हाँ सेटिस्फेक्शन एक तो अंदर से मुझे भी खुशी लगा कि मैं सब कर पाई उसको दी जबकि मेरा भी आदत छूट गया इतना सारा रसोई करने का मैं भी शॉर्टकट पब्लिक आप सबको मालूम है इतना सारा रसोई करने के लिए आज मुझे भी थोड़ा दौरा भागी बहुत हो गया है लेकिन वो खुश वो खा के जो तसल्ली उसका हुआ सेटिस्फाई हुई खुश हुई वो देख के मेरा सारा क्या बोलते हैं थकावट हाँ थकावट सारा दूर हो गया स्ट्रेस जो सारा दूर हो गया फिर मिलते हैं केक कटिंग में वो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ये तो ट्रेलर था पूरी फिल्म दिखाने आई
मैं ना और 10 मिनट हो गया मेरा खा के और ना मैं उठ ही नहीं पा रही, बहुत ट्राई किया। ये बिस्तर का ये देख रहे हैं, ये रेलिंग पकड़ के भी मैंने ट्राई किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी पेट थोड़े बहुत ऐसी ऐसे करके मतलब ऐसा चेहरा अगर मेरा बिना ये सब कोई देखे लगेगा कि खाने नहीं दिए, उसके बाद जब ये वाला दिखाएंगे ना लगेगा अच्छा इसको खिला के इतना देर से बिठा के रखे है। मैंने दही खा रही है मम्मी थोड़ा सा, हुआ एक चम्मच खाई उस मैंने दे लिया थोड़ा सा, फिर बचा है वो जो हंडे में भी बचा है दही का, हाई का हाँ दोयर भार, दोयर भार मिष्टी दोयर भार नवद्वीप दोई नहीं फ्रेंड्स नवद्वीप का नहीं है, यही कह रहा हूँ लोकल है, डीजल कॉलोनी का है। ठीक है मिलती हूँ फिर बाद में, थोड़ा पान खाते खाते पान खा अब समझ में आ रहा होगा। पान खाने का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन तुम बोली आज पान खाएंगे तो मैं वो भी ला दिया, वो क्यों छोटे चीज के लिए फिर मन खट्टा करना, खाओ पान मीठा पान बोले दा जोरदार चीज बच्ची सबको पता है लड़कियां मीठा पान मैं ही खाऊंगी, जोरदार वाला नहीं खाऊंगी। अब मैं बात कर सकती हूँ, पान बिल्कुल मुँह में मेल्ट हो गया है, घुल गया, पान बहुत टेस्टी। केक कटिंग के टाइम पे मिलता है, थोड़ा सा सो जाती हूँ, नींद आ रहा है, इतना अच्छा खाने के बाद नींद तो आएगा ही। कंट्रोलर नहीं हो रहा है, आप केक लेके आए भाई भलो खेते दिखी ना तो बोलने हम ना तो टिपोते छोटी टिपो सिंपल सा माँ बेटे मिलके हम लोग केक कटिंग कर लिए चुमा का, किसी को बुलाया नहीं मतलब, और वैसे मतलब माहौल भी नहीं है कि हाँ सारे जब बच्ची थी तो जीत करती थी हाँ सबका सब क्लैपिंग सबका सुनेगी सब गिफ्ट लेके आएंगे तो बहुत एक्साइटेड रहती थी। अभी बोलते है ना मम्मी सिर्फ हाँ मर तुम काट लेंगे, और जो एकदम क्लोज है नेबर जो बहुत क्लोज है तो वही थोड़ा सा स्नैक्स आइटम मैं कुछ ला के रखी हूँ, वही प्लेटिंग करके सबको मैं दे के आएंगी, वही 2-3 घर बस ऑनली। तो चलिए प्लेटिंग कर लेती हूँ और केक जो काट लेती हूँ क्योंकि उठना बैठना है, हंसी मजाक सब करते हैं मोहल्ला में तो, और जो है लोग विश भी किए टू हो रहा है प्लेटिंग, मम्मी का हो जाए फिर मैं जाऊंगी देके आऊंगी। मम्मी बाहर खड़ी रहेगी और मैं मम्मी एक एक करके देगी और मैं बाहर से देके आऊंगी उनको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सेम ब्लॉग चल रहा है बट फिर भी मेरे तरफ से आज वेलकम नहीं गया था, आज मम्मी ने ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो अभी मैं बैठी हूँ आपसे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए कैसे मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मॉम ने एक्चुअली बर्थडे मेरा कैसे मनाया। तो फ्रेंड्स बर्थडे मेरा आज बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा मेरा आज का दिन, बहुत स्पेशल बहुत मतलब एफर्ट के साथ मम्मी ने आज का हर एक चीज़ प्लान किया था। और किसकी बोल छो, बहुत अच्छा से फील करवाया निजे तारीफ निजे ही बोलते अभी उठा ही बोलते जाची वही वो बोली बहुत अच्छे से फील करवाया कि नहीं वो खुद ही बोल रही कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई ना। नहीं नहीं कमी कुछ नहीं रही,
कमी कुछ भी नहीं रही, उल्टा होए बेसी होए चे, बोले ना होए बेसी होए चे। एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं 3 साल बाद, जैसे सुबह भी मम्मी ने मैंने मेंशन किया था कि 3 साल बाद मैं मम्मी के पास मेरे बर्थडे पे हूँ, हर मतलब चाहे वो बच्चे हो, टीनेज में हो या एडल्टहुड में पहुँच जाए, सब चाहते हैं कि अपना बर्थडे अपने स्पेशल लोगों के साथ स्पेंड किया जाए। वो एक, क्योंकि साल में वो एक ही दिन आता है जिसमें हम लोग खुद बहुत स्पेशल स्पेशल खुद भी एक फील करते हैं। अब देखकर किया जाए आज का दिन, तो मेरे लाइफ में जो सबसे स्पेशल पर्सन है वो तो मेरी मम्मी है। तो आज मैं उनके पास ही थी और उन्होंने इतने अच्छे से मेरा बर्थडे आज सेलिब्रेट किया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू माँ, जोड़े बोलो सुनते पहले। वेलकम, आई लव यू जुमा, आई लव यू माँ, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। लेकिन अच्छा चलो, एनीवे एक बात मैं फ्रेंड्स कहना चाहूंगी, कभी कभी 99% फुलफिल हो जाता है लेकिन 1% एक्सपेक्टेशन रह ही जाता है। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, मतलब हुआ है। हम लोग देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता ही है। जो बोलते हैं कि हमारा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ये फॉल्स बात है बिल्कुल। जब तक जिंदा है, जब तक सांस है, तब तक एक्सपेक्टेशन हम लोग करते ही रहेंगे, लोगों से भी करेंगे। तो आज फ्रेंड्स मुझे, मेरे लाइफ में कुछ लोग हैं जो मेरे लाइफ में मम्मी के बाद बहुत स्पेशल एक जगह रखते हैं मेरे हार्ट में, मेरे लाइफ में। तो मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो भी मुझे बर्थडे विश करेंगे, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी विश आया नहीं। क्योंकि यही एक दिन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि हम सामने वाले के लाइफ में, जो हम सोच रहे हैं कि हम उनके लाइफ में, वो हमारे लाइफ के बहुत स्पेशल पार्ट है, तो क्या सेम फीलिंग वो भी हमारे लिए फील करते हैं या नहीं। तो ये कुछ कुछ दिन होते हैं जब हमें पता चलता है कि मतलब वो भी सेम फीलिंग हमारे लिए रखते हैं कि नहीं। तो एक कुछ पर्सन है जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे अगर रात 12 बजे ना हो, लेकिन दिन भर गया, दोपहर भर गया, इवनिंग चला गया, अभी तो 9 बजने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ना फोन आया ना मैसेज आया मतलब विश करने के लिए। तो चलो, तो 1% तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ उनके तरफ से, जबकि उनके बर्थडे पे या उनका कुछ भी मतलब जब होता था, मैं रात को 12 बजे तक भी, अगर मैं दिन भर बहुत टायर्ड भी रहूँ तो भी मैं मतलब 12 बजे पहले से ही हैप्पी बर्थडे ना, अगर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना हो तो मैं पहले से ही लिख के रख देती थी 11:30 बजे से, और नेट ऑफ कर देती थी कि जैसे ही 12 बजे बस मैं फॉरवर्ड करूँ, लिखने में टाइम ना वेस्ट हो जाए, 12:01 ना हो जाए, एग्जैक्ट 12 बजे 00:00, मतलब एग्जैक्ट रात को 12 बजे मेरा बीच जाए। तो मैं ये सब मतलब इतना मैं सोचती थी कि, लेकिन उनके तरफ से आज कुछ भी नहीं आया। और ये फ्रेंड्स मुझे हर्ट किया ये बात आज थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आज बर्थडे था, मम्मी ने इतना कुछ प्रेप्स किए थे मेरे लिए, इतने दिनों बाद मैं मम्मी के पास हूँ बर्थडे के दिन, तो मैं अपना भी मूड इसीलिए ख़राब नहीं किया, और मुझे मूड ख़राब देख के मम्मी का भी मूड ख़राब हो जाता, इसीलिए जो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ वो मैंने अपने आप में निगल लिया। चलो जो होता है अच्छे के लिए, मुझे भी पता चल गया। और फ्रेंड्स ये पहली बार नहीं है, ये मतलब हुआ है पहले भी, तो अच्छा एक लेसन भी मिल गया। एनीवे चलो छोड़ो, अब मैं बताती हूँ मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट क्या किया जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये देखिए, ये मेरी मम्मी ने आज मुझे गिफ्ट किया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना ईयरफोन मतलब ख़राब हो गया था, और मेरा ऑनलाइन क्लासेस होता है, ऐसे भी गाना वाना सुनती हूँ कुछ काम से, ये तो बहुत एसेंशियल बात है। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये ब्लूटूथ जो है ये मुझे गिफ्ट किया है, रुके मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने इसीलिए मेरे को कल आपने पूछा था ना चुमा मोबाइल मॉडलटा की, बोल तो मैं समझ नहीं पाई कि ये मॉडल क्यों पूछ रही है अचानक। ये देखिए, ये मुझे गिफ्ट किया मम्मी ने। तो मम्मी कल रात को ही, जब मतलब कल तो 18 तारीख था, कल सारा जब ग्रॉसरी सब कुछ आज के लिए जो सब्जी मार्केटिंग नॉनवेज सब लेने जब गई थी, तभी मम्मी लेके आ गई थी राउरकेला से, लेकिन मुझे बताई नहीं थी, छुपा के रखा था, दिखाया नहीं मुझे तो रख दी थी, मुझे पता नहीं चला। आज मतलब जब हो गया खाना पीना हो गया, उसके बाद इवनिंग में केक कटिंग के बाद ये मुझे ऐसे थी, तक वीडियोटा कड़ा हो ना, वीडियोटा बंद हो गया ना, देखे नहीं तो फ्रेंड रहा। थैंक यू अमर माँ, माँ तो ना बोले कि हो तो अमर अभी खूब खुशी। कभी कभी मम्मी बोलती, अच्छा तुम्हारा जन्म अगर मेरे पास नहीं होता किसी और के पास, हम तो नहीं नहीं हम तुम्हारी गोदी में आते, हम कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, हम यहीं आते, तुम भी किसी और को नहीं लाती, मैं ही आती। चलिए और तो कुछ साल कुछ महीना उसके बाद चली जाएगी, कहा
अच्छा आना जाना तो है। अच्छा लड़की पराया धन, लड़की पराया धन उसको मैंने खरीद दिया ये वाला गिफ्ट, जबकि ये है सब लटक रहा है। ये देखिए, ये देखिए, एक भी काम का नहीं है। और जो रेड कलर, ये बोट का रिसेंट मैंने लिया था, बोट का लिया था ईयरफोन। ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ना स्ट्रिंग, ये हैंग कर रहे हैं, यही लिया था मैंने, खराब हो गया, नहीं चल रहा है। अब क्या करूँ, जरूरत तो है, ऑनलाइन क्लास में भी जरूरत है ना। रह रहे के एक बात याद आ रहा है कि यही कि मतलब कैसे मतलब लोग एक इतना स्पेशल डे जो हमें हर साल भर बोलते रहते हैं, तुम बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो, इस तरह का फीलिंग दिखाते हैं, उसी दिन कैसे भूल जाते हैं। ठेके ठेके मोनो पोर्चर पड़ते हैं ना, तो अब जानबूझ के तो कोई किसी को बोलेगा नहीं, आओ मेरे को विश करो, मेरे को स्पेशल फील करवाओगे, तो अपने से आना चाहिए ना। अगर इसलिए मैं हर 5 मिनट के बाद मैं बोलने जा रही हूँ हैप्पी बर्थडे। तुम्हें तो मेरी मम्मी क्या कर रही है, जो लोग मुझे जानते भी नहीं है ना, उनके हिस्से का भी लगता है बर्थडे है, मेरे को विश कर रही है। जो नहीं किया है मैं उसका तरफ से विश कर दे रही हूँ, जो तुम्हें बाद में जानेंगे मैं उसका तरफ से विश कर। आप सबने मुझे बहुत विश किया, सबने, जिन जिन लोगों ने सुबह सुबह, तारक मामा आए थे, तारक मामा ने किया, फिर उसके बाद आंटी दिवाली आए थे। लेकिन बोलो दादा, हमारे जेठू हमें आज के अनेक 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 शुभेच्छा जानी छे। आई लव यू जेठू, आई लव यू सो मच। আজকে আমাকে জেঠু আমার ফেসবুকে হ্যাপি বার্থডে নেহরু বলে লিখেছে, আর জেঠুরই এতে অনেকজন ট্যাগ করে করে লিখেছে হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে বলে। আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা। আমার মেরে মম্মি, জেঠু, দিদি ভাই, এই মেরে দুনিয়া হ্যাঁ, আই লাভ দেম। আর ইনহীকে বজে সে মেরা আজ বার্থডে ইতনা জ্যাদা স্পেশাল হুয়া। दादू, दादू से आज को आज मैं मिल नहीं पाई, लेकिन जेठू दीदी वैसे तो वीडियो कॉल में बात हो जाता, दादू से आज मैं मिल नहीं पाई। दादू के पास वो जाएगी, कल अभी जस्ट नॉक हुआ, मैं बंद करके गई ना, ये देखिए आंटी आई, हैप्पी बर्थडे किस की, और ये गिफ्ट देके गई, गिफ्ट देके गई। देखिए मैं दिखाती हूँ गिफ्ट, ये देखिए। सुबह यही वाला के लिए गया था, मुझे भी यही लगता है यही वाला के लिए गया। अरे हठात बोलिए आंटी মিঠুর খালি কেজ কিনবে, আমি সেটাই ভাবছি, মিঠুর কেজ এর কি হয়ে গেল আবার, তাবলু এক বান দো কাজ। আচ্ছা ইয়ে দেখিয়ে, সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে, ইয়ে দেখিয়ে, ইয়ে হ্যাঁ ড্রেস পিস, মতলব এসে বহুত সুন্দর পহনেগি, বহুত সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, লাইট কালার, গরম কালার, আর কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর না, বহুত আচ্ছা। এটা জামা, থ্যাংক ইউ, এটা জামা, আন্টি কে শাদি পার্টি হ্যায় ওহি যা যা, তো ইসলিয়ে হম যা রহে হ্যায়, থোড়া তৈয়ার হুয়ে, দেখ কিতনা সুন্দর লাগ রহি হ্যায় আন্টি, খুব সুন্দর লাগছে আন্টি কে দেখতে, খুব সুন্দর মানে মানে আন্টি শাড়ি পরে না, মানে মনে হয় খুব ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। ফ্রেন্ডস আজকে ব্লগ এই এন্ড করতে, তো বহুত ज्यादा লম্বা হয়ে যায়গা, চলি এন্ড করতে, মিলতে আপসে কাল এক নয় ওয়ালে ব্লগ মে, বাই বাই বাই, আন্টি বহুত अच्छी लग रही ना।